वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो में हम आपको मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के स्कूल खोले जाने के ऊपर एक बहुत ही बड़े फैसले के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ गाइस, मध्य प्रदेश स्कूलों के खोले जाने के ऊपर शिवराज सिंह चौहान ने हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सो गाइस, ये नवभारत टाइम्स की अपडेट है, जो एक न्यूज़पेपर भी है, ये आपको बिल्कुल ही राइट इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें ये बताया गया है कि एमपी में नहीं खुलेंगे स्कूल व ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया साफ। सीएम शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की जो सीएम है, उन्होंने यह साफ कर दिया है कि एमपी में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे व जो ट्यूशन फीस होती थी प्राइवेट स्कूलों के लिए, वो भी जो पहले थी यानी कि 2020 में थी, वही रहेगी। इसमें हाईलाइट में पढ़ते हैं कि एमपी में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट स्कूल। सीएम ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर ख़त्म होने तक नहीं खुलेंगे स्कूल, इस दौरान प्राइवेट स्कूलों की ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि स्कूल कोई अतिरिक्त चार्ज की वसूली भी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि भोपाल यानी कि एमपी, मध्य प्रदेश बोर्ड टुडे अपडेट न्यूज़ में, कोरोना की दूसरी लहर तो थम गई है, पूरे प्रदेश में अब 50 के करीब कोरोना मरीज मिल रहे हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी में जल्द ही स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन इसे लेकर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया कि एमपी में तीसरी लहर ख़त्म होने तक, मतलब कि गाइस जब तक जो तीसरी लहर आने वाली है वो ख़त्म नहीं होगी जब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। हाल फिलहाल में अभी तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से यही अपडेट है, आगे चल के यह अपडेट बदल भी सकती है, कोई ज़रूरी नहीं कि अपडेट यही रहेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम तीसरी लहर की संभावनाओं के कारण स्कूल खोलने का फैसला नहीं ले रहे हैं, ट्यूशन फीस इस साल बढ़ाई नहीं जाएगी, यह मेरे निर्देश हैं, तीसरी लहर की संभावना ख़त्म हुए तो हम स्कूल खोलने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि हम अस्पतालों में 75,000 बिस्तर तैयार रख रहे हैं, बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि अस्पतालों में जाकर व्यवस्था बनाए रखें। मतलब गाइस, इतना क्लियर है कि जो स्कूल्स हैं वो एमपी बोर्ड के अभी तो नहीं खुलेंगे जब तक तीसरी लहर ख़त्म नहीं होगी, यानी कि नवंबर तक और उससे ज़्यादा भी हो सकता है तब तक स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।